मनीष हत्याकांड की जांच करने कानपुर से गोरखपुर आई एसआईटी शनिवार की शाम को मानसी हॉस्पिटल पहुंची और हॉस्पिटल के कर्मचारियों से घटना के संबंध में पूछताछ के बाद वापस लौट गई। इसके पहले एसआईटी रामगढ़ताल थाने पहुंची और प्रभारी निरीक्षक के वाहन से साक्ष्य और कागजात भी खंगाले। रविवार को एसआईटी क्राइम ब्रांच जाकर वहां भी दस्तावेजों की गहनता से जांच के बाद क्राइम ब्रांच के अधिकारियों से बात की। इस संबंध में एसआईटी का नेतृत्व रहे एडिशनल कमिश्नर आनंद कुमार तिवारी ने बताया कि विशेष जांच दल द्वारा घटना में प्रयुक्त सभी साक्ष्यों का संकलन किया जा रहा है, सभी बिंदुओं की समीक्षा की जा रही है। शासन के निर्देशानुसार निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसआईटी के एडिशनल कमिश्नर आनंद कुमार तिवारी ने कहा, आदेश के अनुक्रम में पुलिस मुख्यालय के आदेश के अनुसार हमारी विशेष जांच दल यहां कानपुर से आई है और जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान है हमारे लिए वो है वो स्थान जहां पे घटना हुई थी। हमने इस स्थान का परीक्षण निरीक्षण किया है वैज्ञानिक ढंग से। पिछले 5-6 घंटे से हमारी टीम ने, हमारी फॉरेंसिक की टीम ने कमरे के भीतर, कमरे के बाहर, लिफ्ट में, सीढ़ियों पर और जहाँ कहीं भी हमें लगा कि हमें करना चाहिए, जिस तरह का नेचर ऑफ द केस है हमने किया है और ये जांच आगे कंटिन्यू करेगी। अगले कुछ दिनों तक हम अपनी जांच करते रहेंगे। हमारी कोशिश होगी कि एक स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी और एक बेहतर जांच करके जो कुछ भी न्याय संगत है वो शासन की मंशा के अनुसार न्याय संगत किया जाए। सभी बिंदुओं पर जाँच होगी, हम सभी बिंदुओं को समाहित किए हुए हैं। सब कुछ होगा वैज्ञानिक पद्धति से, हम सारी चीज़ों को करेंगे।